सेक्स के पहले या सेक्स के बाद में कौन सी 8 टिप्स आपको जानना जरूरी है, उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ, जो 8 टिप्स आपको काम में आएंगी सेक्स के पहले और सेक्स के बाद के एक्टिविटीज़ में। पहले जो करना है वो पहले बताता हूँ कि सेक्स के पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। हाथ आप धोएंगे नहीं, और यदि आपको यदि फिंगरिंग करना है या क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करना है उंगलियों से, और आपके हाथ साफ नहीं है, तो हो सकता है कि वो स्त्री को इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हाथ साफ होना जरूरी है और प्राइवेट पार्ट्स धोना जरूरी है दोनों के भी। नाखून जो है, नाखून वो काटना जरूरी है, तो नाखून अंदर लग जाएगा फिंगरिंग करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, स्त्री संतुष्ट होगी नहीं सेक्स के बारे में, वो देखने का काम जो है वो पुरुष का है। स्त्री यदि संतुष्ट होती नहीं है, उसका प्रमाण देखना चाहिए, कि उसका सबूत देखना चाहिए हुई कि नहीं हुई। क्योंकि स्त्री संतुष्ट होती नहीं तो वो बोलेंगी नहीं, वो वैसे ही सो जाएंगी अधूरी होके, और फिर नेक्स्ट टाइम आपको कॉपरेट नहीं करेगी, नेक्स्ट टाइम वो मना कर देगी, बोले मुझे तो कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा है, मुझे तो कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो वो काम है, और यदि वो हो ही नहीं है तो पुरुष का काम यह है कि क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करना, फिंगरिंग करना और उसको संतुष्ट कर लेना। ये हो गया 2। तीसरी बात जो है वो है आफ्टर प्ले करना। स्त्री संतुष्टि होने के बाद में भी आफ्टर प्ले करना जरूरी। यूजली क्या होता है कि एक बार डिस्चार्ज हो गया तो दूसरी तरफ मुंह करके सो जाते, बाद में पूछते भी नहीं। स्त्री को वो बहुत हर्ट होता है कि भाई मेरा वापर कर लिया, इस्तेमाल कर लिया और मुझे बाद में पूछा तक नहीं। तो स्त्री को अपने बाहों में लेना, किसिंग करना, हगिंग करना, जो भी करना है, बातचीत करना, वो जरूरी है। और वो आफ्टर प्ले आप करते हैं तो उसको उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और उसको एक इम्पोर्टेंस मिलता है। फिर नंबर 4 जो है वो, उसके बाद में प्राइवेट पार्ट्स अंदर तक धोने की ज़रूरत है दोनों ने भी। प्राइवेट पार्ट्स अंदर तक मतलब ऐसा है कि यदि आप प्राइवेट पार्ट्स धोते हैं तो जो सीमेन अंदर गया हुआ है वो यदि यूरेथ्रा में चले जाता है ना तो प्रॉब्लम हो सकता है और फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो इसके लिए दोनों ने भी प्राइवेट पार्ट्स धोना चाहिए। बहुत ज़्यादा अंदर धोने की ज़रूरत नहीं है, मगर ऊपर ऊपर भी धोए तो भी चलता है। पेनिस जो है उसका टिप थोड़ा सा अलग करके, उसकी लिप्स अलग करके वो भी धोना जरूरी है। फिर नंबर 5 जो है वो सेक्स ये एक एक्सरसाइज है, तो नेचुरली एक्सरसाइज के बाद में हम पानी पीते हैं, तो डेफिनेटली 1 ग्लास 1.5 ग्लास लुकवार्म वाटर या कोल्ड वाटर भी आप पी सकते हैं। वो पानी पीना है ताकि आपका हाइड्रेशन बना रहेगा। नंबर 6 जो है वो सेक्स टॉयज़, यदि आपने वापरे हुए अभी इलेक्ट्रॉनिक सेक्स टॉयज़ है या रबर के या जो भी कुछ है, तो वो धोकर रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 7, स्त्री ने सेक्स करने के बाद में पेशाब करना जरूरी है, ताकि उसके यूरेथ्रा में कुछ जाएगा नहीं और वहाँ उसका इन्फेक्शन होगा नहीं। और पुरुष के लिए उल्टा है कि सेक्स के बाद में पुरुष ने पेशाब नहीं करना है, स्त्री ने करना है, पुरुष ने नहीं करना है। इसके बारे में डिटेल वीडियो है मेरे, वो आप देख सकते हैं। नंबर 8, सेक्स के बाद में आपने लूज कपड़े पहनना है, बहुत टाइट नहीं है, और फिर बाद में सो जाने का है। तो ये आप यदि 8 टिप्स का आप यदि करते हैं पहले और बाद में, तो डेफिनेटली ये आपको एक मतलब कोई इन्फेक्शन करने में प्रिवेंट करेगा, या मज़ा भी आएगा, या जो भी केयर लेना है वो केयर ली जाएगी और स्त्री भी खुश रहेगी, तो आगे के लिए वो सपोर्ट करेंगी। जैसे हमने पहले पॉइंट बताया कि वो खुश हुई नहीं है तो फिर आगे ना बोलेंगी, तो वो भी ज़रूरी है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा टैलाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना और हमें आयुर्वेदिक चाहिए। तो मैंने स्पेशली यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना, तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी के तरफ से। ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वो है गोल्ड है, इसमें गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसई, केसर एंड शुद्ध मकर ध्वज। ये हॉट स्टेमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर वाइटलिटी बढ़ेंगी, जोश जुनून उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच।